हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ विवेक। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में बांग्लादेश की टीम आई हुई है तीन टीम T20I मुकाबले खेलने के लिए और दो टेस्ट मुकाबले खेलने के लिए आई थी, जो कि टेस्ट मुकाबले तो दोनों हो चुके हैं, बाकी तीन T20I मुकाबले बाकी हैं जो कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं दो टेस्ट मुकाबले कैसे हुए। दोस्तों, ये दोनों टेस्ट मुकाबले बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार हुए। बेस बॉल को भी फेल कर दिया हमारे इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा ने। आप सभी सोच नहीं सकते, मैं खास करके नहीं सोचा था दोस्तों कि टेस्ट मुकाबले में कोई बैक टू बैक दो छक्के मारे, वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया, इसलिए बेस बॉल को भी फेल कर दिया भाई, क्या बताएं। और वहीं SSV जायसवाल बहुत लाजवाब यार, इंडिया के प्रिंस, क्या बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं यार SSV जायसवाल। बहुत अच्छा लगा उनका प्रदर्शन देख के। बाकी और भी खिलाड़ी हैं इंडिया टीम में बहुत बेहतरीन। दोस्तों, आप सभी को कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगा ये टेस्ट मैच देखकर मुझे तो। और बात करते हैं इस वीडियो में फर्स्ट T20I मुकाबला, जो कि 6 अक्टूबर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, यह ग्वालियर में मैच होगा और यह मैच आप सभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नहीं मिलेगा आप सभी को देखने के लिए। यह मैच आप सभी को जियो सिनेमा पर मिलेगा, तो आप सभी हॉटस्टार का डाउनलोड ना करें, हॉटस्टार को आप सभी जियो सिनेमा पर जाकर इस मैच को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे से पहली बॉल फेंकी जाएगी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट्स और उसके बाद बात करेंगे खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, इस ग्राउंड में पहले ODI मुकाबले हो चुके हैं और इस ग्राउंड में पहली बार T20I के मुकाबले खेले जा रहे हैं। और इस ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन मारे हैं इस ग्राउंड में, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसमें सचिन जी का बहुत शानदार पारी 200 दोहरा है, और जिसमें 200 सचिन जी ने मारे थे उस वक्त इस ग्राउंड पर टोटल 401 रन बने थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बैटिंग पिच है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पर बैट्समैन को बहुत हेल्पफुल मिलेगा और यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स को 50-50 मामला है। तो आप सभी को मेरा प्रेडिक्शन है कि अक्षदीप 3 विकेट लेंगे और हार्दिक पांड्या कम से कम 2 विकेट लेंगे और बैट से भी अपना कुछ प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप सभी मेरा ड्रीम इलेवन टीम देख सकते हैं। अभी मैं आप सभी को थोड़े थोड़े खिलाड़ियों के बारे में बता दूं कि संजू सैमसन अभी फॉर्म में है, आप सभी संजू सैमसन को लीजिए वाइस कैप्टन, कैप्टन के उसमें रखिएगा, वाइस कैप्टन तो कम से कम बनाइए, क्योंकि कीपरिंग करेंगे, कैच वैच करेंगे, स्टंप करेंगे, तो वहाँ से पॉइंट मिलेगा। और वैसे भी अभी संजू सैमसन फॉर्म में है, बाकी लिटिल दास भी फॉर्म में है, लेकिन इंडिया में नहीं दिखा है उनका फॉर्म, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वहाँ पर उनका फॉर्म था। तो आप सभी लिटिल दास को भी लीजिएगा, अच्छे खिलाड़ी हैं। बाकी अभिषेक शर्मा भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और सूर्य कुमार यादव को चांस ले सकते हैं आप सभी कि सूर्य कुमार यादव, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उनके उनके खिलाड़ी कई सारे उनको पकड़ लेते हैं, मतलब विकेट ले लेते हैं उनको। और दोस्तों, बाकी शिवम दुबे का ही बेहतरीन प्रदर्शन है, आप सभी देख सकते, आप सभी को बता दूं कि शुभम दुबे भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं और इनका लास्ट जो मैच खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ ही खेले थे और यहाँ पर ये मारे थे 34 रन दोस्तों, और ये 2 ओवर भी करेंगे तो इनको लीजिएगा ज़रूर। बाकी अक्षदीप सिंह को बता ही दिया दोस्तों, और बाकी मेरी फाइनल टीम आप सभी टेलीग्राम पर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक है, आप सभी वहां से ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैच शुरू होने से 15-20 मिनट पहले मैं आप सभी को टीम भेज दूंगा, आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, शानदार वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।